प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सुपौल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए फ्लोटिंग पावर प्लांट ने सोमवार से काम करना शुरू कर दिया है। यह प्लांट पिपरा की दीनापट्टी पंचायत के स्थित सखुआ गांव में राजा पोखर में है। जानकारी के अनुसार इस प्लांट से अभी लगभग 525 किलोवाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। प्लांट से उत्पादित बिजली को नजदीक के पावर स्टेशन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार गांव में सप्लाई की जा रही है। कंपनी के इंजीनियर गावस्कर पांडे के मुताबिक फ्लोटिंग पावर प्लांट के जरिए 25 किलोवाट बिजली का उत्पादन सोमवार से शुरू हो गया है, जिसे नजदीकी पावर स्टेशन में सप्लाई किया जा रहा है। वहां से बिजली विभाग तपादित बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बता दें कि यह बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, जहां से बिजली का उत्पादन अब शुरू हो चुका है। सखुआ के राजा पोखर में लगे इस सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट से जहां आसपास के इलाके में बिजली की कमी को पूरा किए जाने में मदद मिलेगा, वहीं इस प्लांट के लग जाने से इलाके में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस फ्लोटिंग पावर प्लांट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जिससे उनको रोजगार भी मिल रहा है। राजा पोखर में लगे सोलर फ्लोटिंग प्लांट बिहार का पहला पोखर में तैरता हुआ बिजली प्लांट है। तालाब में स्थापित इस सोलर बिजली का उद्देश्य नीचे मछली और ऊपर बिजली उत्पादन करना है। यह प्लांट ड्रम के सहारे तालाब में तैरती रहती है। इस प्लांट के बिजली के अलावे कई फायदे हैं। जहां तालाब में नीचे बिना किसी अवरोध के मछली पालन किया जा सकता है, वहीं ऊपर ड्रम के सहारे लगे सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन किया जाता है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से उत्पादित बिजली स्थानीय ग्रिड से कॉन्टैक्ट होगा, जहां से उत्पादित बिजली ग्रिड से सीधे होते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। यह प्लांट इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, जो आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। बता दें कि पिपरा के सखुआ स्थित राजा पोखर पर बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीर्णोद्धार किया था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।